लोनावाला के बुशी डैम के पास जल प्रवाह की घटना में 5 लोग पानी में बह गए, जिसमें से 4 लोगों के शव बरामद हुए, जबकि एक बच्चे की तलाश जारी है। हम लोनावाला में बुशी डैम पर मौजूद हैं। कल ही ये घटना हुई थी और उस घटना से न किसी ने सबक सीखा और न ही कोई चेतावनी जारी की गई। बुशी डैम पर आज भी रोज की तरह हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने के लिए पहुंचे हैं। बुशी डैम बहुत ही मशहूर पिकनिक स्पॉट है, लोनावाला इलाके में ये बुशी डैम है। और देखिए, यहाँ पर लगातार जो जल प्रवाह है, पानी की धारा है, वहाँ पर एंजॉय करने के लिए, पिकनिक मनाने के लिए सैकड़ों लोग दूर दराज से यहाँ पर आते हैं। मुंबई से, पुणे से, सातारा से, नासिक से, न केवल महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से भी लोग घूमने के लिए लोनावाला आते हैं। और लोनावाला आते ही बारिश के समय, खास करके मानसून में, बुशी डैम घूमने आते हैं। तो देखिए, रोज की तरह आज भी हजारों की संख्या में बुशी डैम पर लोग पिकनिक मनाने पहुंचे हुए हैं। लेकिन शायद ये जो पिकनिक मना रहे हैं, इन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि मेरी बाई तरफ पिकनिक मनाते हुए लोग अगर दाई तरफ की तस्वीर और घटना के बारे में सोचेंगे तो उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यही वो तालाब है जिसमें अभी भी एक बच्चे की तलाश जारी है। रविवार दोपहर 12 बजे इसी तालाब में जो जल प्रवाह यानी झरना का पानी बहकर आता है, उसी झरना में अंसारी और सैयद परिवार के 19 सदस्य पिकनिक मनाने आए थे, जिसमें से 9 सदस्य जल प्रवाह में बैठकर पानी का आनंद ले रहे थे, बारिश में भीग रहे थे। लेकिन अचानक जलधारा का प्रवाह बढ़ जाने से, जलस्तर बढ़ जाने से 5 लोग पानी में बह गए, जिसमें से 4 लोगों के शव बरामद किए गए। और अभी भी एक 4 साल के अदनान अंसारी की तलाश की जा रही है। आपको नजर आएगा कि तालाब के एक दूसरे छोर पर कुछ लोग जो नारंगी रंग का जैकेट पहने हुए हैं, वो रेस्क्यू टीम के लोग हैं जो कि उस लापता बच्चे की तलाश कर रहे हैं। पानी के जहां पर हम मौजूद हैं, यहां से पानी में एक तरफ जहां पर 4 लोगों की लाश मिली, एक बच्चा लापता है जिसकी तलाश की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ अभी भी सैकड़ों लोग इस घटना से अनजान हैं, हजारों लोग पिकनिक मनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस घटना से क्या सबक सीखा? क्या प्रशासन ने कोई चेतावनी जारी की? चेतावनी जारी की तो क्या उसे लागू किया गया? यहाँ पर यदि ऐसी कोई घटना होती है तो उसके बचाव के लिए क्या उपाय किए गए हैं? यहाँ पर आपको प्रशासन का ना कोई कर्मचारी नजर आएगा, ना ही यहाँ पर कोई चेतावनी का बोर्ड लगाया गया है। पत्थरों पर लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ पिकनिक मनाते हुए नजर आ रहे हैं। पिकनिक मनाना गलत नहीं, परिवार के साथ एंजॉय करना गलत नहीं, लेकिन ऐसी जगहों पर जहां पर सुरक्षा की कम इंतजाम है, प्राकृतिक जगह है, यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, जैसा कि हादसा 24 घंटे पहले ही रविवार के दिन दोपहर 12 बजे हुआ था। और आज ही देखिए, लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ, बुजुर्ग महिलाओं के साथ लोग पिकनिक मना रहे हैं। यहाँ पर भी कई बार हादसे हो गए हैं, कई बार जलस्तर बढ़ जाने की वजह से, पानी का जल प्रवाह बढ़ जाने की वजह से लोग यहाँ इस पत्थर से बह जाते हैं। ये जो आपको सामने पत्थर दिख रहा है, उस पत्थर पर लोग बैठे होते हैं, जब पानी का प्रवाह बढ़ता है तो वो भी पानी के प्रवाह के साथ आगे बढ़ जाते हैं, कई बार लोगों को गंभीर चोटें भी आती हैं। लेकिन इस घटना से कोई खास सबक नहीं लिया गया है। कल की घटना में 4 लोगों की मौत हो गई, एक 4 साल के बच्चे अदनान अंसारी की तलाश की जा रही है। एक तरफ आपको जहां सैकड़ों लोग हंसते मुस्कुराते नजर आ रहे हैं, वहीं मेरे दूसरी तरफ इस तालाब में एक 4 साल के बच्चे अदनान अंसारी की तलाश की जा रही है और उसके परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। और परिजनों का यही कहना है कि आखिरकार उन्होंने ये फैसला क्यों किया कि वो परिवार के सदस्यों के साथ ऐसी जगह पर पिकनिक मनाने आए। महत्वपूर्ण विषय ये है कि प्रशासन को न केवल चेतावनी जारी करनी चाहिए बल्कि यहाँ पर प्रशासन के लोगों को भी मुस्तैद रहना चाहिए और साथ ही साथ तत्काल मेडिकल इलाज भी उपलब्ध हो सके यदि कोई घायल हो जाए, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए इस बात की भी तैयारी पूरी होनी चाहिए। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, लोनावाला।